डो की पेमेंट तो निकाल दी है मैंने 2 करोड़, लेकिन कस्टमर चला गया है, बैंक भी बंद हो गए हैं। अब ये कैश जो है इसका मैं क्या करूँ? सुबह मैंने भी शायद लेट ही आना है शोरूम, तो ऐसा करता हूँ सदीक साहब को कहता हूँ, ये पैसे संभाल लें, सुबह वो बंदा आएगा फर्स्ट टाइम तो उसे दे। सदीक साहब जी जी सर, सर 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 मैं करवा दूंगा। सदीक साहब बात सुने, एक मिनट एक मिनट। जी सर, सदीक साहब मेरे कमरे में आए ज़रा। सर खैरियत? हाँ, वो मैंने आपसे ज़रा एक पेमेंट की बात करनी थी, ज़रा 2 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए आ जाए मेरे कमरे में। जी सर, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सर, मैं आता हूँ। आ जाओ यार, पेमेंट का सीन कर लेते हैं। सदीक साहब? जी सर, चलें। आ जाओ यार, ज़रा ये एक मसला हो गया, ये ज़रा क्लियर कर लें। जी बॉस, क्या मसला हुआ है? वो बॉस खुले में क्या हो गया है? सदीक साहब कैश रखा हुआ है। वही बॉस, मैं कह रहा हूँ खुले में रखे हुए पैसे। यार सदीक साहब, असल में ये प्राडो की पेमेंट थी, अब वो कस्टमर चला गया है, बैंक भी बंद हो गए हैं, क्रूज़र की तो कर दी गया है, तो ये अब मैं कह रहा हूँ आप ज़रा अपने पास संभाल लें। नहीं नहीं सर, इतने पैसे नहीं, इतने पैसे मैं संभाल नहीं सकता सर। यार सदीक साहब, आप तो संभालने पड़ेंगे आपको, अब इस टाइम मैं ये कैश इस तरह यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकता और घर भी नहीं लेके जा सकता। आप ऐसे करें, इसे अपने ऑफिस में रख लें, सुबह वो बंदा आएगा, कस्टमर आएगा, तो आप उसे कैश दे के फारिग करवा दीजिएगा। सर देखना पड़ेगा। सदीक साहब मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने घर जाना है, ज़रा काम है मुझे, तो आप यार ये देख लो। सर वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे यार, इसको ऑफिस में ही रखना है ना, कौन सा आपने अपने घर ले जाने, ऑफिस में रखने ना, अपने ऑफिस में लॉकर में रख दो, सुबह आओगे तो फिर कस्टमर को दे देंगे, कौन सा किसी को पता है यहाँ पर कैश पड़ा है इतना। जी जी सर, बात तो सही है। चलिए सर, मैं फिर सुबह जो है ना उसे क्लियर कर दूँगा पेमेंट। हाँ यार, उसे सुबह क्लियर कर देना पेमेंट, बाकी फिर ये देख लो क्या करना है। मैं फिर जा रहा हूँ घर, तो फिर सुबह मिलते हैं, सुबह आ जाऊँगा मैं जल्दी। और बाकी वो यूज्ड कार शिपमेंट्स का क्या किया है? सिर्फ वो ऑक्शन पे जाना है वो कल परसों। चलो ठीक है, एक दफ़ा ज़रा लाइनअप चेक कर लें। कामरान साहब गाड़ी साफ़ करें। हाँ कामरान, बस ये बस चमक रही है, बस पेंट सही है इसका? बस जबरदस्त जबरदस्त, चेक करें शीशा है। चलो यार, हमारा गाड़ियों का लाइनअप तो लगा हुआ है यहाँ पर, और गाड़ियाँ सारी साफ़ हैं, बाकी कामरान इनको देख लेगा। मैं अभी चलता हूँ घर, यार मैं काफ़ी थक गया हूँ, घर जाके ज़रा रेस्ट करते हैं, उसके बाद एक दो काम है घर के वो कर लूँगा, और आज अमेंडा और ट्रेसी से भी बात करनी है, उनको भी मेरे से एक दो काम है, तो उनके काम भी मैंने करने हैं, ट्रेसी की यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी जमा करवानी है, उसका भी कोई सीन करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं, गाड़ी निकालते हैं अपनी मर्सिडीज़ E55। तो यार अब से हमारी डेली ड्रिवन कार यही है, तुम लोगों को पता है, ये गाड़ी मैंने ख़रीद ली भी है, और यार ये गाड़ी मैंने अपने नाम भी करवा ली है, तो फ़िलहाल अब हम यही गाड़ी यूज़ करेंगे। बाकी तुम लोग मुझे बताओ, इस गाड़ी के साथ हम लोग क्या पंगे लें, इसके रिम्स इसी तरह के रहने दें या फिर इसके कोई रिम्स नए डालें, कोई ब्लैक कलर के रिम्स मैं सोच रहा हूँ इस पर डालें, या यही वाले रिम्स अच्छे हैं, तो कमेंट्स में लाजमी बताओ। इंटीरियर चेक करो गाड़ी का, इसको स्टार्ट करते हैं और घर चलते हैं। यार गाड़ी ये काफ़ी मज़ेदार है, ये 2-3 दिन से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक ये गाड़ी मैं घर नहीं लेके गया, शोरूम में ही मैंने ये गाड़ी चलाई है, क्योंकि यहीं पर खड़ी हुई थी, मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा नाम हो जाए ना गाड़ी, फिर शोरूम से निकालेंगे, तो आज ये पहली दफ़ा घर जा रही है अपने। और यार जिमी ने यार दिमाग ख़राब कर दिया, पता नहीं क्या है इस बंदे को, इसने क्या हरकत की है, आधी रात को यार जाके रेसे लगा रहे लोगों के साथ, समझ से बाहर हो गया ये, इसकी ज़रा यार इसको ज़रा इसको सेट करना पड़ेगा। और ये भी इनका चमचा ही खड़ा हुआ है यहाँ पर। माइकल साहब बात सुने, माइकल साहब। हाँ बोल। माइकल साहब, वो बोले आपसे बात करनी थी। माइकल साहब, कामरान सदीक साहब और कामरान साहब जो है ना झूठ बोल रहे हैं। माइकल साहब, वो ध्यान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे ही हुआ था रात को, सदीक साहब कामरान साहब ने आके मदद की थी, लेकिन ये लोग माइकल साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, और कुछ? माइकल साहब बस यही कहना था। नहीं और कुछ कहना है तूने इनकी सफाई में? माइकल साहब बस यही, जिमी साहब का कोई कसूर नहीं, कोई रेस नहीं लगाई उन्होंने। अच्छा ठीक है, माइकल साहब मैं सच कह रहा हूँ, बोलता रहे यार। अब सदीक और कामरान तो झूठ नहीं ना बोल सकते, इतने अरसे से वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और रही बात जिमी, दयान और हसन की, तो इनका पता है मुझे, पहले भी रात को निकले हैं काफ़ी दफ़ा, और रेसे ही करते हैं ये रात को जाके, तो इनका कोई सीन करना पड़ेगा, अगली दफ़ा इनके पीछे मैं खुद जाऊंगा।
ये तो सदीक साहब ने मुझे बताया नहीं, सदीक साहब को बताना चाहिए था मुझे, मैं साथ जाता इनकी ज़रा सही ज़रा छितर परेड करके आता। यार लॉस सैंटोस में भी काफ़ी ट्रैफिक हो गई है। ओ भाई ये रेड गाड़ी वाला जो है RX-8 लग रही है ये मुझे, और ये हमारे साथ रेस लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई मज़ा लग रही है मुझे। अब पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये। ओहो अच्छा भाई रेस लगाएगा, चलो यार इसको तो पकड़ें ज़रा, इसको बताएं हमारे पास भी मर्सिडीज E55 है। हाँ जी ज़बरदस्त यार ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है, निकलती है यार ये गाड़ी, मतलब करोला चलाने के बाद ना यार जब से मैं इस गाड़ी पे आया ना तो मज़ा आ गया, पता चल गया यार गाड़ी है क्या। करोला यार इतनी कोई तेज़ गाड़ी नहीं है, बल्कि वो तेज़ है ही नहीं, ये गाड़ी तो यार निकलती है। ऐसा करते हैं इसे फ्यूल भरवा लेते हैं। नहीं यार ये तो पंप ही सारा फजूल सा है, इस पंप से नहीं पेट्रोल डलवाना, ये कोई लोकल पंप है, पता नहीं इसका फ्यूल क्वालिटी किस तरह की होगी। इस गाड़ी में हमको इस तरह का पंगा नहीं ले सकते, वैसे भी इसमें हाई ऑक्टेन डलवाना है तो इसको मैं कल शोरूम जाने से पहले कहीं से डलवा लूँगा रास्ते में, अभी घर ही चलते हैं। निकलती है यार ये गाड़ी, इसकी हाइट यार मैंने अभी थोड़ी ऊंची करवाई है, गाड़ी बहुत नीचे थी, कामरान से कहकर मैंने इसकी हाइट थोड़ी ऊपर करवाई है। वैसे तो इसमें हाइड्रोलिक शॉक्स ही आते हैं तो उससे मैंने हाइट थोड़ी ऊपर करने की कोशिश की थी लेकिन इतनी हुई नहीं, फिर कामरान ने इसके अंदर थोड़ा जुगाड़ करके ना इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर करके दी है मुझे। अभी वो कह रहा था कि यार इसकी ये हाइट हम मज़ीद ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन यार इसको खोता करोला तो बनाना नहीं है हमने, तो बस सही है जितनी हाइट है इसकी काफ़ी है। चलो यार सोसाइटी के अंदर तो हम लोग पहुंच गए हैं, और यार तुम लोग काफ़ी कह रहे थे कि यार घर चेंज करो ये घर छोटा है, तो यार घर हम लोग चेंज करेंगे सून, हम लोग घर चेंज करेंगे, कोई हिसाब लगाते हैं घर का भी। ओहो लगने लगी थी यार बैरियर में। खैर घर हम लोग सून चेंज करेंगे, तो अभी ये घर थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो तुम लोग, घर हम लोग चेंज करेंगे अभी, ये बाकी मसलों से ज़रा बाहर आ जाए ना। ट्रेसी और अमेंडा का भी मैंने हिसाब लगाना है कोई, यार ये गाड़ी तो नहीं गुजरने लगी आगे से, शुक्र है मैंने एक दफ़ा चेक कर ली है, गाड़ी ये नहीं गुजरेगी, फुटपाथ पे लग जाएगी ये, तो इसको हमें रिवर्स में ही खड़ी करना पड़ेगा, फ्रंट से तो नहीं खड़ी हो सकती। देखा तुम लोगों ने अभी भी यार ये गाड़ी इतनी डाउन है ना फ्रंट से, ऊपर से लिप भी लगी हुई है इसमें फ्रंट पे, इसका बम्पर फ्रंट वाला जो है ना थोड़ा एक्सटेंडेड है, इस वजह से भी गाड़ी ना फ्रंट से लग जाती है, बैक से गाड़ी ठीक है इतनी ज़्यादा नहीं है लो, और वैसे भी ये हाइट पीछे से ज़्यादा है इसकी ऊपर की है, आगे से इसकी नीचे है हाइट, इसी तरह होती हैं सारी गाड़ियों की। ट्रांस पे तो खैर ये गाड़ी नहीं है, चलो यहीं पे इसको खड़ी कर देते हैं हमारी ग्रैंडी के साथ। ज़बरदस्त चेक करो यार कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये ब्रांड न्यू कार, और इसके साथ हमारी ग्रैंडी भी खड़ी है। तो यार कुछ लोग कह रहे थे कि ग्रैंडी तो यार फ्रैंकलिन की थी तो ये माइकल के पास क्या कर रही है, तो यार ये जो गाड़ी है ना ये हम लोगों ने फ्रैंकलिन से ले ली थी, ये मैंने उसे गाड़ी ख़रीद ली थी, तो फिलहाल ये गाड़ी हम लोग फ्रैंकलिन को वापस नहीं कर सकते क्योंकि वो यार नॉर्थ यंगटन में है और हम लोगों ने ख़रीद ली ये नई गाड़ी। अब यार या तो हम लोगों ने सेल करनी है अपनी ग्रैंडी या तो सेल करनी है रिबॉन। अब तुम लोग मुझे फाइनल बता दो इस वीडियो के कमेंट्स में कि तुम लोग क्या चाहते हो, ग्रैंडी सेल करें या रिबॉन, क्योंकि लास्ट वीडियो में यार तुम लोगों ने सेम कमेंट्स किए हैं कि ग्रैंडी भी सेल कर दो, और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि यार रिबॉन सेल करो ग्रैंडी ना रखो। या तो कमेंट्स में बताओ कि मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट लगाऊं कि ग्रैंडी सेल करनी चाहिए या फिर रिबॉन, और जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे हम लोग वो सेल करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यार रिबॉन में मसले हैं, तो यार रिबॉन के जो मसले थे वो क्लियर हो चुके थे, कामरान ने इस गाड़ी को बिल्कुल 0 मीटर कर दिया हुआ, इसका इंजन सस्पेंशन हर एक चीज़ इस गाड़ी की ओके है, वो अलग बात है हम ये गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। अब तुम लोगों के सामने हाफ सेल्फ स्टार्ट है और गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर है, इस टाइम चलने में कोई मसला नहीं है, ये गाड़ी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब तुम लोगों ने बताना है यार कि ये गाड़ी रखनी है या फिर ग्रैंडी रखनी है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दें।
या इस वीडियो के कमेंट्स दोबारा से मैं चेक करूं। लास्ट वीडियो पे तो यार जो कमेंट्स आए थे वो तकरीबन सेम ही थे। कुछ लोगों ने कहा कि ग्रैंडी रखनी है और रिबोन ही रखनी, कुछ लोगों ने कहा रिबोन रखनी है और ग्रैंडी नहीं रखनी। तो इस वजह से फ़िलहाल ये गाड़ियाँ दोनों मेरे पास हैं, अभी मैंने सेल नहीं किया। तीन गाड़ियाँ हम लोग ये नहीं रख सकते सेडान। एक मैं सोच रहा हूँ एसयूवी ले लूँ माइकल के लिए, तो इसलिए एक गाड़ी को इन दोनों में से सेल करनी पड़ेगी। या तो अगर तुम लोग कहते हो तो दोनों ही गाड़ियाँ सेल करके एक अच्छी सी एसयूवी ले लेते हैं माइकल। तो ये कमेंट्स में तुम लोगों ने बताना है आज की वीडियो के। तुम लोग जितने कमेंट्स करोगे उस तरह ही मुझे पता चलेगा कि हमें कौन सी गाड़ी सेल करनी है। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं। जो तुम लोगों की फेवरेट कार है वो हम लोग रखेंगे, जो तुम लोग चाहते हो कि सेल कर दें वो हम लोग सेल कर देंगे और एसयूवी ले लेंगे। चलो इसके अलावा यार मैंने 40K का टारगेट रखा हुआ है, 40K सब्सक्राइबर्स जल्दी करवा दो यार, क्योंकि हम लोग 40K पे एक स्पेशल सीरीज़ लेके आने वाले हैं। यार तुम लोग वो सीरीज़ देख के काफ़ी मज़ा आएगा तुम लोगों को वो सीरीज़ देख के। तो यार जैसे ही तुम लोग 40K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओगे वो सीरीज़ आना शुरू हो जाएगी, GTA 5 रियल लाइफ मोड्स की सीरीज़ होगी। ठीक है, तो जल्दी से 40K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ। ओ यार ये क्या बंदे आ गए भाई, ओ हेलो। ओ यार सही है, मतलब इनकी अपनी रोड है यार, ऐसे चल रहे हैं यार। ध्यान भाई ने भी ना मुझे बैंक भेज दिया है और खुद यार इधर पहुंच गए नुमान के पास। प्लेट्स बनवानी थी यार आज गाड़ी की हम लोगों ने, पता नहीं क्या जाके प्लेट्स बनवा ली होंगी शायद इन्होंने। ओए होए ये तो सामने खड़ी है यार। चलो यार देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब है, अभी तो लग रहा है कोई प्लेट्स नहीं बनी। आ गया। हाँ जी, ओए इधर क्या खड़े हो, वो काम कर रहे अभी। हेलो नुमान भाई, यार कैसे हो यार? हाँ जानी मैं बिल्कुल ठीक, तू सुना यार जिमी कैसा है? यार मैं तो सही हूँ यार, आप बताओ ये क्या लगे हुए हैं, गाड़ी खोल के रखी हुई है। ओह यार ये बस, इसके ना ये पार्किंग बल्ब जो थे ना यार, ये चला के दे रहा हूँ भाई से, गाड़ी लग गई थी मुझसे ही लाइटें लगवा के गए थे, तुझे पता है तेरा भाई जो ना गाड़ी की लाइटें बड़ी हैवी लगा के देता है। हाँ हाँ पता अनुमान भाई, यार जरा जल्दी कर दो हमारा काम भी करना है। हाँ यार जानी बस दो मिनट में ये फारिग करके दे रहा हूँ उनको ना जरा गाड़ी, एक मिनट जरा ये आइस। ओ यार मैंने कहा था आइस वाइट लगाओ यार, ये यार ये आपको मैंने कहा था लगवा लेना। नहीं नहीं भाई ऐसे ही सही है, हमें तो ऐसी पसंद है। हाँ हमें ऐसी पसंद है। अच्छा चलो, मैंने तो कहा था वैसे आइस वाइट अच्छे लगते क्यों जिमी। हाँ यार सही कह रहे हो। अच्छा यार ऐसा कर गाड़ी जरा अपनी हटा ले। हाँ हाँ यार मैं हटाता हूँ गाड़ी, अभी गाड़ी निकलवाऊँ यार। चलो यार इनका काम तो हो ही गया, सही टाइम पे आ गया हूँ मैं, वरना इनकी तरह खड़ा रहता है यहाँ पर। अभी ये गाड़ी निकलेगी तो मेरी गाड़ी का काम शुरू हो जाएगा। हमने तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, हसन की गाड़ी का थोड़ा काम करवाना है। इन गाड़ियों को तो सिर्फ हम लोगों ने प्लेट्स ही लगवानी है, नहीं अब वो देखते हैं यार कौन से डिज़ाइन की प्लेट्स लगवानी है, कोई अच्छी प्लेट्स ही लगवाएंगे, खुद ही डिज़ाइन बनवाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अंकल जी साइड पर जो यार, ओ यार लग जाएगी। ओहो अंकल हट गए, हम सही से गाड़ी लगा लेते हैं। ये ओहो तीनों गाड़ियां भाई लाइन में। नुमान से डिपर मारी जरा चेक कर रही यार। हाँ भाई चेक कर लो, वैसे आइस वाइट पार्किंग लगती मज़ा आ जाता। अरे नहीं यार नुमान ये चेक कर लो डिपर। हाँ सही है ओए चेक कर ले, सही है ना? हाँ सही है लेकिन एडजस्टमेंट नहीं कर देता। ओह भाई हेलो। हाँ और यार खुदा को मानो और जाके पहले इसका मुंह सही करा के और फिर एडजस्टमेंट करेंगे लाइट की। यार जल्दी कर लो, कितना टाइम लगाओगे? और मेरा भाई पहले जाके ना इसकी ये सेटिंग करा के लाओ, ये इसकी शो सेट कराओ और लाइट भी डलवाओ। चलो यार निकाली गाड़ी। चल सही है अनुमान, सही है फिर, खुश है? हाँ ठीक है ठीक है। और देखिए वो गाड़ी ना मार दे पीछे से। आने दो। ओए 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 सबर कर, जाने दे सीधा जाने दे, सीधी रख गाड़ी रगड़ देगा। अरे यार नहीं रगड़ता, अजीब यार। ओए बस छोड़ दे। अरे मैं चला रहा हूँ, आगे बैठ। ओहो बम्पर लटक रहा है यार इसका। चलो यार ये तो गए, वो जा रही है यार। वैसे यार ये गाड़ी भी अच्छी है, प्यारी गाड़ी है ये भी, होंडा सिविक CF, मुझे तो पसंद है यार। पहले मैंने सोचा था ये गाड़ी लेते हैं, फिर RS टर्बो मिल गई यार, और क्या चाहिए।
ओ भाई सीधी रख के जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे, बस आ गया। ओए यार, ओए क्या कर रहे? ओ यार सॉरी सॉरी नुमान भाई, गलती से लग गई यार। ओ यार क्या किया भाई, मार ही दी गाड़ी। ओ यार सॉरी सॉरी यार, गाड़ी चेक करो यार। ओ यार इसमें क्या है, वही होंडा पुराना, दिन में 10 गाड़ियां आती हैं भाई, 10 गाड़ियों के शीशे काले करके देता हूँ। ये गाड़ी ली है, ऐसे कह रहा था फोन पे बड़ी गाड़ी ले ली है। ओ यार नुमान भाई अच्छी गाड़ी है, आरएस टर्बो है पता है। ऐसी ऐसी 10 गाड़ियां आती हैं दिन में। सही कह रहे हो नुमान भाई, सही कह रहे हैं। हाँ यार नुमान भाई सही कह रहे हैं यार, सही बात है। मुझे तो यार पसंद आई हसन की गाड़ी ये। खैबर यार ये गाड़ियाँ ना कम गाड़ियाँ, कोई लेने वाली गाड़ी है भाई। ओ यार पूरी पेंट है, तैयार हुई नहीं है पता, कलर भी चेंज है इसका। ओह भाई जो भी है गाड़ी अच्छी है, और ध्यान की गाड़ी भी कम नहीं है वैसे। यार क्या खूबसूरत इंटीरियर है यार, बता हसन पर बेचनी है तो बता यार। यार नुमान भाई अभी तो लिए इसने। ओ यार बेच दे बेच दे। ध्यान आगे ब्रेड नहीं लगाई भी यार, ध्यान की गाड़ी भी कम नहीं है भाई। ये चेक कर, ये होती है गाड़ी इंटीरियर। क्या यार जिमी तूने सिविक ही लेनी थी दोबारा? ओ यार मेरे पास पहले कौन सी सिविक थी, सिटी थी, उसके बाद करोला थी। हाँ तो सिविक करोला से बाहर ना ही तू। यार बता फिर यार, हसन देनी है तो बता यार, कोई सिस्टम कर यार। नहीं नहीं यार नुमान भाई। अच्छा अब ये बताओ आए क्या हो, करवाना क्या है? यार प्लेट्स दे दो। प्लेट्स लगी रही है, आओ देखो प्लेट ही प्लेटें लगी हुई हैं भाई, कौन सी प्लेट बना के दूँ? यार नुमान भाई हमें अपने डिज़ाइन की चाहिए यार, हम खुद बनवाएंगे, कस्टम डिज़ाइन है। कस्टम बनवा लो, लेकिन यार मेरा वैसे कहना है तुम लोग कोई वाइट ब्लैक गाड़ी है, वाइट प्लेट लगाओ ये वाली, बड़ी खूबसूरत लगेगी। नहीं नहीं नुमान भाई ब्लैक प्लेट्स लगेंगी। हाँ हाँ यार ब्लैक प्लेट्स। ओ यार ब्लैक प्लेट्स लगवा के क्या करना है, पहले भी ब्लैक प्लेट्स लगाई थी, इस दफ़ा वाइट लगवाओ यार, अच्छी लगेंगी। यार नुमान भाई आपकी नहीं बिकती ना तो यार हमें मत चिपकाओ। ओ यार क्या हो गया अब, ऐसे मत समझाओ यार तुम लोगों को। और टेंट वगैरह करने? हाँ टेंट तो करने हैं यार, हसन की गाड़ी पे टेंट करने। ये पहले वाला पेपर चढ़ा दूँ? हाँ यार ये पहले वाला ही चढ़ा दो, बाकी तो बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं यार डार्क डार्क जेट ब्लैक कर दो। ओ भाई तुझे नज़र नहीं आना, नहीं नहीं कर दो यार नुमान भाई, जरा अच्छी सी बनाना यार। हाँ यार शोखी ना लगे बस। यार एक मिनट मैं वो निकाल रहा हूँ गूगल से, मुझे कल दिखाई थी जिमी तुझे। हाँ हाँ यार वही हसन ने जो दिखाई थी ना यार, वही वाली बना के दो, कैलिफोर्निया वाली। हाँ अच्छा वो, हाँ यार वो सही है। भाई कौन सी कैलिफोर्निया वाली, एक मिनट सब्र करो ये सॉफ्टवेयर खुल जाए ज़रा। ओ यार सॉफ्टवेयर नहीं होता हनुमान भाई, सॉफ्टवेयर होता है। हाँ हाँ वही वही खुल जाए ज़रा ये। यार ये स्लो बड़ा है यार, ध्यान इसका क्या करूँ? रैम बढ़वाओ इसकी और क्या, इतनी दफ़ा कहा है। यार नुमान भाई ब्लैक ब्लैक। अच्छा अच्छा ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, ब्लैक कर, ब्लैक कर दो यार। हाँ वही कैलिफोर्निया लिखो ऊपर। एक मिनट कैलिफोर्निया किस कलर का लिखूँ? यार गोल्डन गोल्डन गोल्डन। हाँ हाँ नुमान भाई गोल्डन कर दो, ये सही है। हैं ये नुमान भाई सही है सही है। ओ यार थोड़ा छोटा करो यार, बड़ा कर दिए। करूँ करूँ। ओ यार यार नुमान और छोटा कर यार, इतना सही है, इतना तो होता है यार। चलो यार प्लेटें लग गई अपनी, ये जिमी की गाड़ी को भी प्लेट लग गई है और मेरी गाड़ी को भी लग गई है। हम लोगों ने नाम वाली प्लेट्स लगाई हैं इस दफ़ा, गाड़ियों को अपने नाम लिखवाए हैं। यार हसन जानी यार मैंने जो कहा था यार तूने टिंट ज़्यादा करवा ली है, अब तो किस तरह देखेगा? यार ध्यान भाई आप लोगों की गाड़ियाँ भी तो चला लेता हूँ ना यार, ये भी चला लूँगा। फिर भी यार तूने ज़्यादा काले करवा ली हैं। और सही है भाई, ऐसे ही होते हैं आजकल। यहाँ सही अच्छी लग रही है गाड़ी। हाँ जिमी ज़रा इसका डिपर चलाई ज़रा। ये क्या इसमें एलईडी, इसमें एलईडीज डाली हैं? हाँ यार हसन की एलईडीज लगाई हैं ज़बरदस्त।
Them army benefits is bullshit. Yep. डिपर नहीं डिपर। एक मिनट यार ऑन तो करने दो। ओए ओहो जबरदस्त यार। यार बड़ी थ्रो है इनकी। ओए तू फोन तो छोड़, एक मिनट यार जरूरी मैसेज है, अब उसे बात कर रहा हूँ। हाँ सही है आजा बाहर भाई, थ्रो चेक कर गाड़ी की, अभी लो पे थ्रो चेक कर इसकी, तुम दोनों की गाड़ियों से ज़्यादा है। यार अब लुक निकली है ना इस गाड़ी की, यार लाइट्स तो अच्छी लगाई हैं यार, कौन सी लाइट्स लगाई हैं? ओ भाई ये छोड़ दे, तू कौन सी लाइट्स लगाई हैं, बुगाटी की लगाई हैं, तू लाइट्स चेक कर। यार लाइट्स तो ज़बरदस्त हैं यार, मज़ा आ गया यार, इसकी भी गाड़ी की लाइट अब अच्छी हो गई है। भाई तू चेक कर लाइट्स अच्छी हैं। और यार प्लेट्स तो दिखाई अपनी, ये देखो यार जिमी की लगाई है मैंने अपनी गाड़ी पर, चेक करो यार अच्छी लग रही है ना, कमेंट्स में बताओ ये वाली प्लेट्स अच्छी लग रही है यहाँ पर चेंज करवाएं। यार ध्यान भाई की भी दिखा देता हूँ, ये ध्यान लिखा है यहाँ, ध्यान भाई की प्लेट लग गई है, सारी हम लोगों ने एक जैसी प्लेट लगाई है, और ये हसन की। बस गाइस अब पुलिस ना पकड़ ले हमें। और यहाँ नहीं पकड़ती नहीं पकड़ती, काले शीशों पर रोका आज तक? हाँ बेटा कितनी दफ़ा रोका, थाने से होके आए हैं 4 दफ़ा। यार बात तो सही है, चलो अभी अब चलो आप प्लेट्स के चक्कर में भी हो आएंगे। हाँ सही कह रहे, यार हसन की गाड़ी अब मज़ा करवा रही है। और नुमान में भी फिर बताओ यार कितना बन गया अपना बिल? ओ यार बिल तो कर लेते हैं पर गाड़ियाँ तो चेक कर लो, तसल्ली करो। यार एक मिनट मुझे तो दिखाओ यार। हाँ मैं फारिग हो गया। ओ हसन दरवाज़ा बंद कर दे। कर दिया यार, लाइट्स तो अच्छी हैं। सफर कर मैं गाड़ी पीछे करता हूँ। ओए होए यार इसने ज़्यादा ब्लैक करवा ली है अपने टिंट्स, ज़्यादा टिंट करवा ली है इसने गाड़ी, और ऊपर से इसने स्पेक्ट्रम भी नहीं लगवाया, इसने नॉर्मल कोरियन पेपर लगवाया, अंदर से विजिबिलिटी अच्छी नहीं है इसकी, इसलिए मैं इसे कह रहा था कि यार पेपर की जो है ना मीडियम रखवा, क्योंकि ये कोरियन पेपर जो होता है ना यार इसमें से सही से नज़र नहीं आता अंदर से। हमारी गाड़ियों को स्पेक्ट्रम लगे हुए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यार हसन की गाड़ी की लुक निकल आई है, अब मज़ा करवा रही है खैबर, ज़बरदस्त यार, थोड़ी सी अब ये मॉडिफाई हो जाए तो और ज़बरदस्त लगेगी। हाँ अनुमान भाई फिर कितने बने? यार जानी करवा दो कोई 20,000। ओ ना ना यार, ये मैंने आपको करवा दिए जितने आपके बनते थे, सही है? ओ यार ध्यान, अब ये ऐसी बात तो ना कर। ओ यार करवा दिए अनुमान भाई, करवा दिए। चल सही है यार। यार ये बंदा अच्छा है अपना, काम कर देता है और जितने पैसे दें इसको ले लेता है, इसका ये फ़ायदा है काम भी सही करके देता है। ओहो डर गए लोग। अब यार ये गाड़ियाँ घर लगाते हैं, उसके बाद जिमी की गाड़ी पर निकलना है, एक ज़रूरी काम है यार जो करके आना है आज हमने। चलो यार। ओके ओके यार चलो भाई निकलते हैं यार, यहाँ के जरा यहाँ सदीक और कामरान का तो यहाँ जरा बैंड बजा के आए ना, जो इन्होंने कल की है यार हमारे साथ, अभी भी पापा गुस्से में बैठे हैं। उड़ाते ही जा रहे हैं यार, लेकिन प्लेट अच्छी लग रही है ध्यान में की गाड़ी पे। यहाँ हसन की तरह आ गए हैं, आ गया आ गया, इसकी गाड़ी भी चेक करते हैं भाई। ओए होए यार गाड़ी तो अच्छी लग रही है इसकी, वहाँ ऐसा चलाओ ये रेसे लगा रहे हैं मेरे साथ। हाँ यार खैबर मज़ा करवा रही है। तो पीछे यार जाने तो हाँ आगे कर लो यार इधर खड़ी कर दो यार, जल्दी करो यार भाई जाना भी ऐसे, पहले वो शोरूम बंद कर दे। हाँ भाई सही लग गई यार, ध्यान भाई जबरदस्त लग गई, आ जाओ यार। हाँ भाई बाहर निकल यार, मैंने चलानी है।
अरे भाई राजा चुप करके आजा यार जिमी, टाइम वेस्ट ना कर, आजा जल्दी से। यहाँ ध्यान भाई मैंने चलानी है यार। अरे चलो सही है यार, आ जाओ बैठो यार, जल्दी से पहुँचो शोरूम यार, उन्होंने शोरूम बंद कर देना। नहीं करते भाई, नहीं करते यार। वैसे प्लान किया है यार, इनको फंसाना कैसे? बैठो तो सही गाड़ी में, बताता हूँ प्लान सारा। यार ना बताओ यार क्या प्लान है भाई? प्लान यार फिलहाल तो कोई नहीं है, अभी शोरूम जाके यही चेक करना ये दोनों कर क्या रहे हैं। मैंने ये सोचा इन दोनों की कोई कमज़ोरी पकड़ो और इनको एक दो दिन के लिए शोरूम से निकलवाओ। एक दो दिन के लिए शोरूम से निकलेंगे ना तो इनकी अकल ठिकाने आएगी। यार सही बात है ध्यान भाई, यार मैं शोरूम का यार मालिक हूँ, ठीक है, शोरूम के मालिक का बेटा हूँ यार, छोटा मालिक हूँ मैं शोरूम का, और ये भाई मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करते हैं। हाँ तो और क्या, तेरे आगे इनको, तेरे साथ तो इनको बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहिए जिमी। यार ध्यान भाई अब उसे हाइपर कह रहे हो वो भाई। तूने लास्ट वीडियो के कमेंट्स देखे हैं? लोगों ने तो कहा है कि भाई चुक लो इन तीनों को, इनको किडनैप करो, कुट लगाओ इनकी। यार वैसे इनकी कुट लगाएंगे ना तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसे अकल नहीं ठिकाने आनी इनकी। ओए यार क्या हो गया बेटा, कुछ तो होगा। यार ध्यान भाई इतना भी बुरा ना करो, उनके साथ इतना भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और यार उन्होंने जो किया तुझे भी पता है, मुझे भी पता है भाई। सही है, रात को बचाने आए थे लेकिन आके उन्होंने ये किया है, अपने से सारी कहानी बना के यार अंकल के आगे हमारी इज्जत ही नहीं छोड़ी। सही बात है यार। तो गाइस जैसा कि तुम लोगों को पता है आजकल हम लोग नंबर प्लेट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज चलते हैं और देखते हैं भाई तुम लोगों में से किस किस की रिक्वेस्ट पूरी हुई है। तो यार नंबर प्लेट्स की रिक्वेस्ट का यही सीन है कि जो सबसे पहले वीडियो पर कॉमेंट करेगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी और जिन लोगों ने सबसे पहले कॉमेंट किए उनकी नेक्स्ट वीडियो में रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग यार ट्राई करते रहो और वीडियोस पे कमेंट करते रहो, जैसे तुम लोगों की बारी आएगी यार तुम लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं यार हमारी गाड़ियाँ किधर खड़ी हैं, आज सामने खड़ी हैं हमारी गाड़ियाँ। और यार एक वीडियो में यार सिर्फ 5 गाड़ियों की रिक्वेस्ट पूरी कर सकता हूँ मैं, इससे सिर्फ 5 गाड़ियाँ जो हैं वो हमने खड़ी की हैं। और आज यार देखते हैं भाई आज हमारे पास कौन कौन सी गाड़ी। तो सबसे पहले यार जिमी की यार सिविक आर एस टर्बो खड़ी है, और यार ये रिक्वेस्ट थी संकेत की। तो यार संकेत ने कहा था कि सिविक के ऊपर मेरा नाम लिखना, तो यार हम लोगों ने जिमी की सिविक आरएस टर्बो के ऊपर इसका नाम लिख दिया है। और यार ये चेक करो, संकेत लिखा हुआ है जिमी की सिविक आरएस टर्बो पर, ठीक है। अब नेक्स्ट गाड़ी है जो हमारे पास आती है वो ये खूबसूरत किस्म की टोयोटा क्रोला है 2015 मॉडल, हसन इसके ऊपर लिखा हुआ है, और यार ये हसन की रिक्वेस्ट थी, ठीक है। ये वो कॉमेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले, ये वो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉमेंट किया था वीडियो पर, उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है, ठीक है। साथ ही हमारे पास खड़ी है होंडा सिविक ईगल आई, खूबसूरत किस्म की ईगल आई खड़ी है ब्लैक में, और जारून लिखा है उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर जारून की रिक्वेस्ट थी, ठीक है, कि यार गाड़ी के ऊपर नाम लिखो। तो हम लोगों ने इस खूबसूरत सी मॉडिफाइड होंडा सिविक ES के ऊपर, जिसे हम ईगल आई कहते हैं, उस पर जारून का नाम लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं तो भाई हमारे पास इधर मर्सिडीज़ E55 खड़ी है जो माइकल ने रिसेंटली ली है, ठीक है। इसके ऊपर हुसैन लिखा है, तो यार हुसैन ने रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरा नाम लिखना है, ठीक है, और हम लोगों ने ये मर्सिडीज़ E55 मॉडिफाइड पे उसका नाम लिखा है। और यार ये मेरी फेवरेट गाड़ी, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, V8 लैंड क्रूज़र, ठीक है। अब्दुल्ला लिखा है, अब्दुल्ला ज़ुबैर नाम था भाई का, लेकिन अब्दुल्ला ज़ुबैर जो था वो पूरा नहीं आ सकता प्लेट पे, तो अब्दुल्ला हम लोगों ने लिख लिया। तो वैसे इनका नाम अब्दुल्ला ज़ुबैर था, ठीक है। तो ये इनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई, और ये खूबसूरत सी लैंड क्रूज़र, और जिसका कलर काफ़ी कमाल का यार, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस गाड़ी के ऊपर यार अब्दुल्ला का नाम लिखा है। तो ये सारी गाड़ियाँ यार आज जिनकी रिक्वेस्ट पूरी हुई हैं, तो तुम लोग भी कमेंट्स कर सकते हो, और यार जो जल्दी कमेंट करेगा उसकी रिक्वेस्ट ही पूरी होगी, क्योंकि यार तुम लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हो सकते हैं, और एक वीडियो में यार हम लोग 100 या 200 गाड़ियां तो ला नहीं सकते। तो एक वीडियो में सिर्फ 5 गाड़ियां फ़िलहाल हम लोग, तुम 5 गाड़ियों की रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जल्दी कमेंट किया और उनकी रिक्वेस्ट पूरी हुई है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ओहो अंकल तो नहीं आ गए? नहीं नहीं यार, पापा घर चले गए होंगे। नहीं नहीं यार मैं डर गया, अंकल आ गए। ओहो यार ध्यान भी, लाइट्स ऑफ कर दो। हाँ हाँ लाइट्स ऑफ कर दिए यार। अब सामने शोरूम है भाई, क्या करना है यार, प्लान बताओ यार। यार क्या करना है यार ध्यान भाई? करना क्या है, तू शोरूम में जाएगा, सामने गोंचा खड़ा है, गोंचे को मैं मसरूफ़ कर दूंगा, ठीक है। गोंचे को नहीं बताना हमारा प्लान क्या है, इसका कोई पता नहीं कब अंकल के सामने सब कुछ बोल दे। तूने जिमी अंदर जाना है, अंदर जाके देखे कमरान और सदीक कर क्या रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ इनके बारे में ढूंढ के ला जिससे हम लोग इनको कल निकलवा सकें। यार मैं अंदर जाके क्या ढूंढूंगा इनके बारे में? अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई।
अंदर जा के यार मैंने कौन सा नाच ढूंढना है अब इन लोगों का। चलो कोई नहीं, अब जैसा कह रहे हैं वैसा करते हैं। ये लोग तो गए भाई, हम ये ना हो अंदर पापा बैठे हों। ध्यान साहब आ गए, ध्यान साहब इस वक्त। हाँ कैसे यार गोंचे? जी ध्यान साहब, ध्यान साहब क्या हुआ इस टाइम? बस बैठ जा गाड़ी में। वो ध्यान साहब किधर लेके जा रहे हैं इस वक्त? यार तुझसे बात करनी थी असल में, कल वो जो सारा मसला हुआ है ना उस बारे में बात करनी थी। ओ ध्यान साहब वो बात, ध्यान साहब मैंने की है बात माइकल साहब से, माइकल साहब नहीं सुन रहे। वो हसन भी बैठा है, कैसा है? हाँ हाँ यार मैं ठीक हूँ गुंजी। यार पापा ना हो बस अंदर, वो ये लोग हैं किधर? वो ये गाड़ी अंदर खड़ी कर दी है इन्होंने। ये भाई इस टाइम होंगे किधर? मुझे तो लगता है भाई ये लोग घर चले गए, लेकिन यार शोरूम तो फिर खुला हुआ है अभी, इसका मतलब इधर ही होंगे। पापा के ऑफिस में क्या कर रहे हैं ये इस वक्त? पैसों के साथ क्या कर रहे हैं यार? साहब ये क्या रख दिया यार मेरे आगे? भाई ये पैसे हैं और क्या है। लेकिन यार सदीक साहब इतने पैसों का हम क्या करेंगे यार, कुछ तो हिसाब लगाओ यार। यार वही मैं कह रहा हूँ ना यार, मशवरा लेना था तुझसे, ये शोरूम में छोड़ के जाएँ या घर ले जाएँ? अब सर ने तो मुझे कहा शोरूम में छोड़ के जाना है। सदीक साहब बॉस ने तो कहा शोरूम में छोड़ के जाना है, लेकिन 2 करोड़ रुपया शोरूम में छोड़ना सही नहीं है आजकल। रात को शीशे तोड़ के कोई भी उठा के लेके जा सकता है। वही ना यार, मैं तो सोच रहा हूँ उनको साथ ले जाते हैं अपार्टमेंट। हाँ सदीक साहब अपार्टमेंट लेके जाना बेहतर होगा, वहाँ पर कम से कम हम लोग अपार्टमेंट लेके जाने इन पैसों की कोई नहीं लेके जाएगा। गोंचे सही है फिर, जैसे मैंने तुझे समझाया ना वैसे ही। ठीक है ध्यान साहब ठीक है, मैं माइकल साहब के साथ अब इसी तरह बात किया करूँगा। हाँ बस तूने शो नहीं कराना ठीक है ना? नहीं नहीं मैं नहीं शो कराता ध्यान साहब। समझ आ गई भाई, अभी फंसाते हैं इनको। हाँ बस जैसे मैंने तुझे कहा अब तूने वैसे ही करना है, सही है? सही हो गया ध्यान साहब। और बाकी बताई ना किसी को भी कि मैं इस टाइम तेरे से अभी बात करने आया था, सही है? किसी को भी तूने नहीं बताना कि मैं इस टाइम शोरूम आया था तुझसे बात करने। ओके ओके ध्यान साहब, चलो ध्यान साहब। ओके ध्यान साहब ने जैसे कहा मैं वैसे ही करूँगा, अब माइकल साहब के साथ ऐसे ही। भाई उल्लू बना दिया उसको। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं। वैसे ध्यान भाई मुझे नहीं लगता ये लोग, ये हम लोग सही कर रहे हैं। ओए वो खड़ा जिमी आ जा भाई। ओ भाई जो बात पता चली है ना तुम लोगों ने खुश हो जाना है। हाँ बता फिर क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए। ओ यार ध्यान भाई इस टाइम कामरान और सदीक भाई 2 करोड़ लेके बैठे हैं शोरूम में। हैं? हाँ यार पापा ने उनको कोई 2 करोड़ पकड़ाए हैं किसी गाड़ी की पेमेंट, और कहा है सदीक साहब को कि वो ना अपने लॉकर में रख लें। और सदीक साहब कह रहे हैं भाई ये शोरूम में रखने सेफ़ नहीं है, तो भाई इनको घर ले जाता हूँ अपार्टमेंट, अपार्टमेंट जाके इनको अपार्टमेंट में रखते हैं और सुबह वापस लेके आके ना कस्टमर को पेमेंट दे देंगे। तो भाई समझिए अब कुछ हमें क्या करना है। हाँ हाँ समझ गया हूँ समझ गया हूँ। बॉस ने तो इतने पैसे दे दिए शोरूम में रखने के लिए, लेकिन यार हम ईमानदार और समझदार बंदे हैं, हम लोग ये पैसे लेके जाएंगे अपार्टमेंट, शोरूम में नहीं छोड़ सकते भाई। रात को कोई भी डाका डाल सकता है शोरूम में, 2 शीशे तोड़ने हैं और भाई 2 करोड़ गया। सुबह बॉस खुश हो जाएंगे हमारी इस प्लान से। इनको हम लोग आराम से लेके जाते हैं अपार्टमेंट, सुबह वापस ले आएंगे और कस्टमर को क्लियर कर देंगे। आ जा रीक साहब, सही किया ना फिर हमने? यार ज़बरदस्त कामरान, वैसे तूने सही कहा है, वरना शोरूम में ये पैसे सेफ नहीं थे। हाँ चलो अब यार अपार्टमेंट चलते हैं।